नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। लॉजिस्टिक मार्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि बाइक को कैसे पैक किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले। और ये बुलेट बाइक है जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रभात कार्गो पैकर्स एंड मूवर्स। और प्रभात कार्गो पैकर्स एंड मूवर्स के डायरेक्टर है मिस्टर अमित अग्रवाल। सर, आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर। ये बुलेट बाइक आप कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? ये एक्चुअल में सर मुंबई साकीनाका से पिकअप किए हैं हम लोग जी, और ये दिल्ली तक शिफ्ट कर रहे हैं इसको। हम दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं जी। बिल्कुल। दिल्ली पहुँचने में इसे कितना टाइम लग जाएगा? अप्रोक्स वैसे राउंडली 3 से 4 दिन लगते हैं, पर हम पार्टी को फिर भी 5 डेज का टाइम देते हैं। 5 डेज का टाइम देते हैं। मुंबई से दिल्ली बाइक ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च आता है सर? देखिए, एक पैकर्स के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आजकल मार्केट में कंपटीशन का टाइम चल रहा है। आपको 3,000 से लेके और 5,000 रुपये तक का रेट प्रोवाइड करते हैं, पर वो 3,000 रुपये वाला रेट आपको मिल तो जाता है, पर उसमें बाइक आपकी पहुँच नहीं पाती है, आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। कैसे? पर एक्चुअल में क्या है ना, पैकर्स वाले बाइक तो उठा लेते हैं, पर आप भी जानते हैं 3,000 रुपये में 1,000-1,500 रुपये तो पैकिंग में चला जाता है। एक बंदा उसको उठाने में आ जाता है, फिर आगे डिलीवरी का खर्चा हो जाता है। तो एक बाइक कम से कम 4,500-5,000 रुपये पैकर्स वाले को खर्चे में आती है। तो जब तक 5,000 रुपये इसका मिलेगा नहीं, तो पैकर्स वाले को 500 रुपये उसमें बचेगा नहीं। तो इसलिए कम से कम एक बुलेट बाइक के लिए हमें 5,000 का कोटेशन पार्टी को देना पड़ता है। मिनिमम 5,000 का। आपने मिनिमम 5,000 बताया सर, ये आपने इंक्लूड ऑल टैक्सेस बताए? हाँ, GST को छोड़ के बाकी ऑल इंक्लूसिव हो जाता है हमारा 5,000 में। okay. इसमें पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डोर पिक, डोर डिलीवरी, बस वो रह जाता है, बाकी सब इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर। आप लॉजिस्टिक मार्ट से कब से जुड़े हुए सर? करीबन मैं 2013 में लॉजिस्टिक मार्ट के साथ मैंने अपना डील फाइनल किया था जी। उसके बाद से 2023 चल रहा है, 10 साल से मैं लॉजिस्टिक्स के साथ काम कर रहा हूँ। 10 साल कंप्लीट कर दिया? हाँ, 10 साल मैंने कंप्लीट कर दिए हैं अभी मार्च में। लॉजिस्टिक मार्ट से आपको बिजनेस ग्रो करने में कितनी हेल्प मिली सर? करीबन 70%। 70% लॉजिस्टिक मार्ट कंपनी ने मेरे को बैकअप दिया है जी। और मैंने शुरुआत भी लॉजिस्टिक मार्ट से ही की थी, तो मैं लॉजिस्टिक का थैंक्स बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि मेरी ओपनिंग के टाइम से लॉजिस्टिक मेरे साथ है और आज तक लॉजिस्टिक कंपनी मेरा साथ दे रही है, लॉजिस्टिक मार्ट कंपनी मेरा साथ दे रही है। चलिए अभी बाइक पे दोबारा आते हैं जी। सर, आपने बाइक में लाइट को आपको कवर किया है बबल से जी। इसके ऊपर एक और लेज आएगा पैकिंग का, फोम सीट का लेज और आएगा इसके ऊपर। ये खाली एक नीचे का पैकिंग किया गया, इसके ऊपर एक फोम सीट का लेज आएगा। इसके ऊपर फिर लेमिनेशन आएगा ताकि बाइक की लाइट को, सीट को और ऑयल टैंक को कोई डैमेज ना हो, स्क्रैच वगैरह ना लगे, स्क्रैच वगैरह ना आए, डेंट वगैरह ना आए। और पार्टी ने जिस कंडीशन में हमें अपनी गाड़ी दी है अपना समझ के, वैसे ही हम पार्टी को पार्टी की चीज उसी कंडीशन में लौटाएं। बढ़िया है। इसके पैकिंग में कितना खर्चा आता है सर? करीबन मान के चलिए, क्या 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 मटेरियल यूज होता है इसमें? देखिए, पैकिंग मटेरियल में खर्चे की बात करेंगे तो इसमें एक स्कूटी पैक करने में करीबन 700-800 रुपये का खर्चा आता है, और बुलेट को पैक करने में 1,000-1,300 रुपये तक का खर्चा आता है। और इसके पैकिंग मटेरियल में जैसे स्कूटी में हम मटेरियल यूज करते हैं गत्ते का रोल, बबल और लेमिनेशन, और बुलेट के अंदर हम यूज करते हैं बबल, फोम सीट, कॉर्गोरेट रोल और ये अपना लेमिनेशन। फोम सीट यही होगी सर? हाँ, ये अपना फोम सीट रहता है, ये एकदम सेफ एंड साउंड रहता है। इसको पैक करने के बाद आप किसी चीज के साथ पुश भी हो जाता है, कुछ सामान एक दूसरे के साथ टच भी हो जाता है, तो ये नुकसान नहीं होने देता, नुकसान नहीं होता है। हाँ, इसके अंदर फोम सीट के साथ पैकिंग रहता है इसका। सर, बाइक ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि बाइक इंडिकेटर जी जी, वो हम कवर करते हैं। ज्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, पर हम उसको उस हिसाब से कवर करते हैं, हमारी गाड़ी में उस हिसाब से उसको लोडिंग अनलोडिंग करते हैं कि हमें उस चीज, आप कीजिए, हाँ, हमें उस चीज का कोई कंप्लेंट फेस ना करना पड़े जी। हम उस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि पार्टी का कोई भी नुकसान हमारी तरफ से ना हो पाए। ओके, आपके पास जो एम्प्लॉय हैं जी, जैसे क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम इंदल कुमार। क्या नाम बताएं? सॉरी, इंदल कुमार। इंदल कुमार, इंदल कुमार आपके पास से काम कर रहे हैं जी? काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं हमारे पास, 4-5 साल हो गया इनको हमारे साथ काम करते हुए जी। और 4-5 साल में इन्होंने कंपनी को बहुत अपना अच्छा सहयोग दिया है जी, और अच्छा ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं ये। तो हमारे सारे स्टाफ ऐसे ही हैं सर जी। अभी इसके अंदर ये फॉर्म को यहाँ पे लगा दिया? हाँ जी, ये पूरा बाइक कवर हो जाएगा इसमें, आगे से पीछे तक। एक सीट आगे लग जाएगी, एक सीट पीछे लग जाएगी, मतलब पूरा बाइक कवर हो जाएगा इसमें। और इसका मडगार्ड का कैसे करते हैं आप? मडगार्ड का देखिए जी, फ्रंट का तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे का फ्रंट में हम कुछ सामान रखते नहीं है। इस हिस्से तक का हम इसको पूरा
पैक कर देते हैं। इसको क्यों छोड़, इसके पीछे का रीजन सर? रीजन कुछ नहीं होता एक्चुअल में, इसको क्या है ना, हमें गाड़ी में आगे पीछे करने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें ये ओपन रखना पड़ता है। अगर इसको पैक कर देंगे तो गाड़ी फिर हिला नहीं पाएंगे हम, आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। ये बस वही रीजन होता है, इसको हम ओपन ही रखते हैं जी। तो अभी इसे पूरे फॉर्म से बाइक को कवर किया जा रहा है जी, और एक मिनट थोड़ा पीछे का दिखाना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखिए बुलेट है, काफी भारी बाइक है ये। हाँ ये 350 cc का बाइक है, करीबन 180 से 200 kg तक का वेट है इसका जी। तो अमित कुमार जी एक बार अपना बिजनेस प्रोफाइल के बारे में थोड़ा खुलकर बताइए, तब तक इसे पैक कर रहे हैं साथ में। देखिए हमारा बिजनेस है IIT पवई मुंबई के अंदर, प्रभात कार्गो पैकर्स मुंबई के नाम से, और काफ़ी टाइम से हम मुंबई के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर वाले की दया से आज तक हमारे बिजनेस में हमारे क्लाइंट के तरफ से हमें आज तक कोई कंप्लेंट या कोई शिकायत फेस करने को नहीं मिली है, पर हम आगे भी यही चाहेंगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से कि हमें आगे भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी तकलीफ या किसी पार्टी का रिव्यू हमें नेगेटिव ना मिले। सर अगर रियर केस में बाइक मतलब कहीं स्क्रैच या डैमेज हो जाए जी, तो आप कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए अगर कुछ बड़ा फॉल्ट हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग हम इंश्योरेंस क्लेम करवाते हैं, अदरवाइज अगर कोई छोटा मोटा क्लेम रहता है तो हम अपनी तरफ से उसको सेटल कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हमारा सेटिस्फेक्शन है जी। इंश्योरेंस आप कस्टमर साइड से? नहीं नहीं, वो हमारी तरफ से रहता है सर, हम कस्टमर से इंश्योरेंस का कोई अमाउंट नहीं लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हाँ हम इंश्योरेंस पार्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जी, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं पार्टी से। ये फॉर्म के लगने के बाद में उसके बाद में आप क्या यूज करेंगे सर? इसके बाद में एक लेमिनेशन आएगा, वो इसके ऊपर इसको पूरा अच्छे से पैक कर देगा जी, वो हम यूज करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद इसको किसी दूसरी पैकिंग की जरूरत नहीं रहेगी। लेमिनेशन लगने के बाद में उसको आप लोड करवा दो? लोड करेंगे उसके बाद इसको गाड़ी के अंदर लोड करेंगे, और फिर डायरेक्ट दिल्ली के अंदर इसको अनलोड करके पार्टी के घर पे डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी हो जाएगी जी बिल्कुल सर। चलिए बढ़िया है बाइक को। और बाकी आजकल मार्केट में एक कंपटीशन ऐसा भी चल रहा है कि लोग काम उठाने के लिए किसी भी कस्टमर को ऐसा रेट प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें पैकिंग भी नहीं हो सकती है, लोडिंग अनलोडिंग करना बहुत बड़ी बात होती है, तो हम कई बार उस चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं कि कस्टमर के सामने हमें वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। कस्टमर की आती है जैसे कंप्लेंट की, सपोज आपने अभी बताया था कि 5000 का इसका राउंड फिगर रेट रहता है जी जी, और कस्टमर से कई बार सुनने को मिलता है कि मेरा जो बाइक ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली का ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कि 2500 में इंक्लूड सब कुछ सब टैक्स से हो रहा है जी, तो कैसे होता है वो समझ में नहीं आया अभी सर। एक्चुअल में होता क्या है ना कि पहले आप अगर किसी भी कस्टमर को, आप मान के चलिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने मेरे से रास्ता पूछा सर वो कितने किलोमीटर, और मैंने आपको बता दिया सर वो तो अभी 40 किलोमीटर दूर है, तो आपका एकदम से हौसला टूट जाएगा, तो आप बोलोगे अरे यार ये तो बहुत दूर है, फिर तो मैं गाड़ी बस कर लूँ। अगर मैं आपको बोलूँ नहीं सर 2-4 किलोमीटर है, तो आप क्या बोलोगे, अरे फिर तो मैं इतना दूर आ गया 4 किलोमीटर और पैदल चला। वैसे ही बाइक की कंडीशंस के साथ हो जाता है। अगर हम कस्टमर को लीगली बताते हैं कि सर अभी आपका जो बाइक का खर्चा है वो 4 से 5 हज़ार रुपये का है, तो कस्टमर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, अरे मेरे को 2000 का कोटेशन मिला है। आप यकीन नहीं मानेंगे विजेंद्र जी, आप ये देखिए बाइक के अंदर पैकिंग करने में 1000-1200 रुपये का खर्चा आ जाता है, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करना है, आगे डिलीवरी करना है, पार्टी के घर से उठाना है, तो आप मान के चलिए 2500 भी अगर पार्टी मुझे दे रही है तो मैं कैसे उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। कस्टमर का फिर मेंटली हरासमेंट होता है, मेंटली हरासमेंट होता है। पहले उनका 2500 रुपये में बाइक पिकअप कर लिया जाता है, उसके बाद में उनको 8-8 हज़ार रुपये का 10-10 हज़ार रुपये का बिल भिजवा दिया जाता है, फिर कस्टमर रोते हुए हमारे पास आते हैं सर हमारी हेल्प कीजिए। अब उस कंडीशन में हम कस्टमर की क्या हेल्प कर सकते हैं वो बताइए। आपने बिल बताया कि 2000 से 8000 का बिल कैसे बन जाता है सर? वो बाद में उसका इंश्योरेंस जुड़ जाता है, GST जुड़ जाता है, रोड टैक्स जुड़ जाता है, बॉर्डर चार्ज जुड़ जाता है, सब ऐड करके और कस्टमर को लगता है कि मेरा 2500 का जो रेट मिला उस रेट में हमारी गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि सपोज किसी कस्टमर से आपने अपना कोटेशन दे दिया जी, सपोज मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ जी, और किसी का कोटेशन आया 2500 जी, और कस्टमर ने उनको अपना व्हीकल दे दिया जी, और उसके बाद में आपके पास कभी कस्टमर का रिटर्न कॉल है कि बिल्कुल मेरा ऐसे मेंटली हरासमेंट हो रहा है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। हाँ मेरे पास काफ़ी बार कॉल आए हैं, पर मैंने उस टाइम पे उस कस्टमर के साथ सिर्फ वही बातचीत की है कि देखिए सर आपको हमने जो जेन्युइन रेट दिया था आपको वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुआ जी, अभी आपको उस चीज़ में आप फंस चुके हैं, आप पुलिस केस कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में पुलिस लेके आ रहे हैं, अब उस कंडीशन में मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर भी हम से जितना हो सकता है
हम पुलिस की मदद करने की कोशिश करते हैं जी। तो ये बाइक को पूरा से कवर, हाँ, ये कवर हो गया। अभी इसके ऊपर एक लेमिनेशन रैपिंग हो रहेगा, उसके बाद ये बाइक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में इसको आगे के प्रोसीजर के लिए भेज दिया जाएगा, लोडिंग के प्रोसीजर के लिए। अच्छा, बाइक का मुंबई टू बेंगलोर का क्या कोटेशन रहता है? देखिए सर, सब जगह का अलग अलग रहता है। अभी पूना के लिए अगर आप पूछेंगे तो स्कूटी का पूना के लिए 2200 का रेट चल रहा है। अगर वही बुलेट बाइक रहेगा तो 2500 रुपये का रेट है। वही अगर आप बोलेंगे कि मेरा खाली बेंगलोर के लिए स्कूटी भिजवाना 3500 रुपये रेट है, बाइक भिजवाना 4000-4500 का रेट है, वही बुलेट बाइक भिजवाना 5000-5500 का रेट है। दिल्ली के लिए भी सेम ही कंडीशन है। आप थोड़ा इसे कवर करिए ना बाइक को पैकिंग करते हुए। चेन्नई है, चेन्नई का उस थोड़ा और 500 रुपये महंगा हो जाता है। तो मतलब हर जगह का अलग अलग रेट पड़ता है सर, ऐसा नहीं है एक ही रेट में सब जगह का अलग अलग रेट कोट होता है और अलग अलग कंडीशंस में सब गाड़ियां भिजवाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कस्टमर मुंबई टू पुणे के पुणे के रेट के लिए। एक्चुअल में क्या रेट होता है सर वहाँ पे? देखिए पुणे का जो डिस्टेंस है मुंबई टू पुणे, हाँ जी, वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर, हाँ 150 से कम ही रहता है वैसे, 130-140 के आसपास ही होता है। सपोज कि मेरा बाइक हो तो मुझे लगता है कि 150 किलोमीटर में कितना कोटेशन होता है? देखिए अगर बाइक है आपके पास तो करीबन 2500 रुपये का रेट आपको पर बढ़ेगा, क्योंकि मुंबई से आपके घर से पिकअप करेंगे, आपके घर पे ड्रॉप करेंगे, तो मुंबई से पूना का 2500 रुपये का रेट बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि इस रेट के अंदर हम भी आपको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी गाड़ी को अच्छे से पैक कर सकते हैं और आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर मैं मेरा बाइक ट्रांसपोर्ट कराता हूँ तो मुझे भी एक बार लगता है कि 130 किलोमीटर का 2000-2500 रुपये प्राइस। जी बिल्कुल, और वो होना भी चाहिए बिल्कुल। अगर आप अभी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है रेट। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं और अगर आपको बाइक ट्रांसपोर्ट कराना है तो शायद आपको भी, हाँ लगेगा मेरे को, पर होता क्या है ना सर, आज के दिन टेम्पो और लेबर सब महंगे हो गए। गाड़ी अगर आपके घर से अगर मैं नॉर्मली गाड़ी पिकअप करवाता हूँ तो 200-300 रुपये पिकअप का खर्चा आ जाता है, 200-300 रुपये ड्रॉपिंग का खर्चा आ जाता है, उसके अलावा 1000 रुपये आप मान के चलिए यहाँ से पूना तक का टेम्पो का चार्ज हो जाता है जी। एक टेम्पो अगर पूना के लिए नॉर्मल खाली टेम्पो भी बुक करते हैं तो 6500 का रेट चल रहा है। उसके अंदर अगर ऐसा चार बाइक डाल दिया तो आप मान के चलिए कितना खर्चा हो गया, 1500 रुपये एक बाइक का पड़ता। हम फिर भी 1000 रुपये एक बाइक का पकड़ के चलते हैं तो उस हिसाब से 1600 हमारा खर्चा बैठ गया, 200-400 रुपये हमारा पैकिंग का खर्चा आ जाता है, तो 2000-2200 रुपये का खर्चा बैठ रहा है। हम 2500 रुपये रेट देते हैं पार्टी को, मतलब 300 रुपये प्रॉफिट तो हमें भी चाहिए ना कंपनी खोल के बैठे, तो हम खुल के बात करते हैं कि हमें 300 रुपये चाहिए तो चाहिए, हम काम नहीं करेंगे वो हमको पर बढ़ेगा, पर हम जो भी बात करेंगे क्लियर कट करते हैं। अगर आपको GST नहीं पे करना है आप मत पे कीजिए, पर हम विदाउट GST काम नहीं करते हैं। सर आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताइए कि बाइक का कोटेशन लेते समय पैकर्स मोड पे जो कोई भी कस्टमर वो कंपेयर तो करेगा ही, बिल्कुल कंपेयर जरूर करेगा, बिल्कुल करते हैं सर, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए मेरी समझ से तो यही ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले तो वो जिस भी पैकर्स वाले को काम दे रहे हैं, जिस भी कंपनी को काम दे रहे हैं, सबसे पहले उनकी प्रोफाइल चेक करें, उनके मार्केट रिव्यू देखें, उनका ऑफिस में जाके विजिट करें, बाकी जो उन्होंने रेट प्रोवाइड किया उस रेट के हिसाब से उनको वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है या वो उनसे खाली मतलब रेट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अगर वो किसी चीज़ का रेट ले रहा है तो किस चीज़ का रेट ले रहा है, वो उस रेट के अंदर क्या क्या चीज़ उनको क्लियर करके दे रहा है कि वो उसके अंदर पैकिंग दे रहा है, लोडिंग दे रहा है, अनलोडिंग दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, GST दे रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है, वो क्या क्या चीज़ दे रहा है। पार्टी को ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस काम को आगे प्रोसेस में डालना चाहिए, नहीं तो पार्टी को वहीं पर स्टॉप होकर क्लियर करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में कस्टमर को क्या क्या चेक करना चाहिए, जो मेन डॉक्यूमेंट्स में होता है GST सर्टिफिकेट होता है, कंपनी का गुमस्ता लाइसेंस होता है, कंपनी का उद्योग आधार कार्ड होता है, कंपनी कितनी पुरानी है, उसके क्लाइंट्स कितने पुराने हैं, वो किसी गवर्नमेंट क्लाइंट के साथ जुड़े हुए हैं, किसी बैंकर्स से उन्होंने काम किया है या किसी सरकारी संस्था के साथ उनका टाइप है, तो मतलब इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप किसी को काम दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है, वो कंपनी जेन्युइन है। फिर पैकर्स एंड मूर्ख को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, पैकर्स के जो आपके साथ ही काम करते हैं? देखिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप दूसरे का नुकसान मत कीजिए। अगर आपको काम करना का नुकसान जैसे कि आप
मतलब अगर आपको काम करना नहीं आ रहा है तो पहले आप काम करने की प्रैक्टिस कीजिए, आप काम करने की ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। पार्टी ने आपके पास फोन किया, आप कुछ भी रेट प्रोवाइड मत कीजिए, पहले उस काम में देखिए कि उस काम में क्या खर्चा है, उसमें कितना पैसा लगने वाला है, उसमें कितना खर्चा हमें आ जाएगा, उसमें हमें बचत मिले। आप पहले पार्टी को 15,000 बोलते, बाद में पार्टी से 35,000 लेते, मैं ये बोलूँगा ये सब चीज़ें मत कीजिए। एक पैकर से 10 पैकर्स बदनाम होते हैं, 10 पैकर्स खराब होते हैं, अब वो काम मत कीजिए। अब पहले ही पार्टी को बताइए सर 22,000 लगेगा, आपको करवाना है, ठीक है, इसमें GST इंश्योरेंस एक्स्ट्रा है, वो आपको पे करना ही है, आप मुझसे करवाइए चाहे और तीसरे पैकर्स से करवाइए, वो ये मेरा मेन संदेश रहेगा। तो ये थे मिस्टर अमित प्रभात कार्गो के डायरेक्टर, और बाइक भी पैक हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, जिसको सबसे पहले फॉर्म से ढका गया है, उसकी लेमिनेशन किया गया है, और इसके इंडिकेटर को शायद ये लग रहा है हाँ, वो थोड़ा और लेमिनेशन आएगा इसके ऊपर। अच्छा। अभी इंडिकेटर के ऊपर बबल लगाया गया है ताकि कोई स्क्रैच वगैरह ना लगे। तो एक परफेक्ट बाइक पैकिंग ऐसे की जाती है, और मुझे लगता है कि इसमें डैमेज होने के चांस बहुत कम। कोई रियर केस हो गया जैसे कि कुछ वो एक अलग बात है, बाकी गाड़ी के अंदर इसके अंदर कोई डैमेज होने का चांस नहीं रहेगा, और फिर भी XYZ कुछ हो जाता है उसके लिए कंपनी बैठी है हमारी। चलिए थैंक यू अमित जी, आपने अपना समय दिया और आपने मुझे बुलाया आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मिस्टर अमित प्रभात कार्गो पैकर्स एंड मोर से, और मैं कस्टमर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लॉजिस्टिक मार्ट के थ्रू आप किसी भी वेंडर से अपना सर्विस लेना चाहते हैं तो आप लॉजिस्टिक मार्ट के टोल फ्री नंबर पर आप उसे इन्फॉर्म करें, ताकि हम भी आपके काम को आसानी से ट्रैक कर सकें, और जो मार्केट में आपके साथ जो होने वाले फ्रॉड है उससे हम आपको बचा सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।